इस वाले जैसा कि हुसैन साहब फरमा रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि इंडिया पर दबाव पड़ा अमरीका का, लेकिन यहां मैं एक चीज का इजाफा करूंगा कि इंडिया ने उस दबाव को कबूल किया लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत वसूल करके, यानी सिविल जौहरी उसकी मुआहदा जो है वो अमरीका से किया और एक बहुत बड़ी कीमत की। मैं यहां भी कहूंगा कि उसका तजारती जहन यहां भी काम आया और उसने बाकायदा जो है एक चीज उस वक्त छोड़ी जब उसको दूसरी ज्यादा फायदेमंद था। ड्यूल बेनिफिट था ना कि एक तो वो उसके अमरीका के साथ उन्होंने ये कर लिया, मुआहदा कर लिया, जौहरी मुआहदा कर लिया, दूसरा ये था कि अपनी जो तवानाई की जो शरक थी वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं थी। पाकिस्तान को उसका फायदा भी हो रहा था जी, जी। और 300-400 मिलियन डॉलर्स साल के हमें फीस मिलनी थी, ट्रांजिट फीस। और ये एक सेमिनार में किसी यार ने कहा, आपने जो कहा ना सोच की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोच है। मैंने खुद सुना एक इंडियन बड़े एक्स एम्बेसडर को कि हम पाकिस्तान को क्यों फायदा, यही मैं कह रहा था, तकलीफ हुई, तकलीफ हुई कि 300-400 मिलियन, मैंने कहा खुदा का नाम था, इतना बड़ा मुल्क के दिल तुम्हारा इतना छोटा है, ये एक बहुत बुनियादी, मैंने की ये मैं बुनियादी इशू है कि आप बड़ा मुल्क है लेकिन सोच छोटी और दिल बहुत छोटा है आपका। एक और बात आपने जो हिंदुस्तान वाली बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने की, उसमें मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि जब ये हिंदुस्तान ने ये यू टर्न लिया, और ठीक है नफा नुकसान जैसे आपने कहा उनकी सोच भी ऐसी है, उसमें उन्होंने उनका वजीर था उस वक्त कुदरती वसाइल का, पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज का, मणिशंकर आयर जी, जो बहुत सपोर्ट कर रहा था इस प्रोजेक्ट को, उसको निकाला इन्होंने। अच्छा, उसकी जगह एक नया वजीर, उसका नाम था मुरली समथिंग, मुरली नाम पहला नाम, उसको लेके आया जिसकी सोच मुख्तलिफ थी। सो उन्होंने जो हम कहते हैं ना अमरीकन दबाव में आ गए, वो मुकम्मल तौर पर आए लेकिन उन्होंने दूसरा मुआहदा किया, और दूसरा मुआहदे का ताल्लुक तवानाई से नहीं था, उसका ताल्लुक चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना और इस्तेमाल करना। उनको खटकता है कोई मुस्लिम दुनिया की साइंटिफिक डेवलपमेंट, हमारे बम को वो कहते हैं इस्लामिक बम। मैं अभी लंदन में था तो मेरा बीबीसी में इंटरव्यू हुआ वसीम साहब, एक रिटायर्ड इंडियन जनरल मेरे साथ बैठा था, लाइव इंटरव्यू था साउथ एशियन सर्वे में, एकदम अच्छे अच्छा बड़े जैसे आज बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हो रही, एकदम से कहा ओ यू पाकिस्तानीज यू हैव द इस्लामिक बम। मैंने कहा जनरल आई नेवर रियलाइज दैट बॉम्ब्स आल्सो हैव रिलीजियंस, मैंने कभी नहीं, मुझे मालूम था कि बॉम्ब जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उनके भी मजहब हो गए हैं, तो इस हवाले से फिर आपका जो इंडियन बॉम्ब है वो वेजिटेरियन बॉम्ब है। मेरा ये नहीं मजहब का नाम ही लिया, मैं बुरी बात थी, मैं कहा इसका मतलब है आपका जो बॉम्ब है वो वेजिटेरियन बॉम्ब है, वेजिटेरियन होते तो उस हवाले से ये एक तासुब फैलाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ दोहरे मेयार की कसी होती है और उसको हमें डट के और टिका के मुकाबला करना चाहिए। वो ईरान को हवा बनाया हुआ है पिछले 30 सालों से। वो अभी बनाएंगे, उसके बुनियाद पर उन्होंने सदाम से उसको हमला करवाया, हर महीने उसको $2 बिलियन की सब्सिडी देते रहे, उसका नतीजा आपने देख लिया। और तो इतने फ्रॉडी हैं इस हवाले से ये अमरीकी कि आप देखें कि वो क्या लेडी एम्बेसडर थी जो सदाम के पास गई थी, गिलेस्पी, एन गिलेस्पी, उसके पास गई थी, उसने जाके उसको यकीन दिलाया था बल्कि उसको रागब किया था कुवैत पर हमला करने की तरफ। ये बात कर रहे हैं, हमला उसने किया 2 अगस्त 1990 को, ये बात कर रहे हैं 25 जुलाई 1990 को, एन गिलेस्पी जो अमेरिकन एम्बेसडर थी, सदाम हुसैन से मीटिंग हुई, तो उस वक्त उसने कहा कि जब उसने कहा कि हम सोच रहे हैं कुछ करने की, तो उसने उसकी मुखालफत नहीं की। इसका मतलब था जो पंजाबी में कहते हैं आंख मार दी उसने, वो और फिर बाद में क्या किया, बाद में फिर उनको वो ट्रैप किया ना, उसको था। मैं समझता हूँ लेकिन उसमें मैं ये भी कहूंगा बेग साहब माजरत के साथ कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो कायदीन हैं, जो भी हमारे लीडरान हैं, उनको एक बसीरत का मुजहरा करना चाहिए। हमें मालूम है कि उनके क्या अजायम हैं, उनको मालूम है वो क्या मकासद है उनके, तो हम उसका किस तरीके से मुकाबला करते हैं। और अगर हम उस ट्रैप में आ गए हैं कि आप जो इस वक्त हुकूमत है उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उसमें आप सबसे लायक और फाइक इंसान हैं, आप सदर जरदारी साहब को ऐसे मशवरे क्यों नहीं देते? मैं आपको ये बात बता दूं, सदर जरदारी साहब ने खुद मुझे कहा था कि मैंने पिछले साल की बात है, आपने जो ईरान सऊदी अरेबिया की बात की, ये पिछले साल ये चंद फेरे लगाए थे इन्होंने, इन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह कराने, ठीक, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहा ये बड़ी अच्छी काविश है क्योंकि मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद होना चाहिए। सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी किस्म के मजहबी या लसानी तासुबात को उभारा जाएगा तो वो मुस्लिम उम्मा की इबादत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा था, मैंने फैसला हो गया था कि ईरान और सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे
یہ یو این جنرل اسمبلی کے سیشن میں, لیکن اس سے پہلے خبر آ گئی امریکہ سے کہ یہ ایک پلاٹ ڈسکور ہوا ہے جس میں سعودی سفیر جو واشنگٹن میں ہے اس کو ایران مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اصل میں یہ یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ خاص طور پر سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, اس لیے کہ پھر سعودی عرب ان سے بلیک میل نہیں ہوگا. صاحب امریکہ نہیں چاہتا تھا پاکستان بم بنائے, امریکہ نہیں چاہتا اخوان المسلمین الیکشن جیتے, امریکہ نہیں چاہتا اسلامی انقلاب آئے ایران میں, یہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن اتنا کنٹرول امریکہ کا, ہم بھی کوئی دم دکھائے. پاکستان نے جو ایٹم بم بنایا ہے جی وہ تو آپ سمجھ لیجیے نا کہ بس خدا نے اس طرح بے بس کیا امریکہ کو, افغانستان کا مسئلہ کھڑا. اس وقت آپ کو یاد ہے نا کہ جب روس آ گیا تھا, روس ادھر پھنسا ہوا تھا امریکہ. ایک اور چیز ہے کہ جتنی بھی ہماری حکومتیں تھیں سول اور ملٹری وہ اس موقف پر قائم تھی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اور اس میں سب کو کہہ جاتا ہے, سب کو کہہ جاتا ہے, بھٹو صاحب ہو یا جنرل ضیاء صاحب, غلام اسحاق ہو, غلام اسحاق صاحب انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں صاحب, سب کو میں خل ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. سب پیج پہ لیکن اس کا مطلب 24 سالوں سے 1974 میں شروع ہوا, 1988 میں ختم ہوا, 24 سالوں میں ہماری جو سول قیادت ہے ملٹری قیادت ہے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا. اور ابھی سلالہ کا جو واقعہ ہوا تھا, میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوں, پارلیمنٹری کمیٹی میں آیا, اس میں بھی ہم نے کہا جب تک امریکہ معافی نہیں مانگے گا بات آگے نہیں بڑھے گی. تو اگر ہم چاہیں وسیم صاحب, قوم میں جان ہے, قوم میں کرنگ ہے, معافی مانگ لی تھی لیکن وہ ہیر پھیک کر کے, لیکن معافی ان کو مانگ 7 مہینے لگے ان کو. اس کا مطلب ہے قوم میں کرنٹ ہے, قیادت کو تھوڑا سا مضبوط ہو تو وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں. اصل مسئلہ قیادت کا ہی ہے. جب تک یہ بات نہیں کہ آپ مفادات کا معاملہ اپنی ذات سے اٹھتا نہیں ہے, دیکھیں آپ دیکھ لیجئے ہمارے تو کانسٹیٹیوشن کا یہ حال ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر ترامیم اپنی ذات کے حوالے سے ہوئی ہیں, اور ایک جنرل صاحب نے اپنا نام بھی لکھوایا کانسٹیٹیوشن میں. یہ نہیں, آپ دیکھ لیجئے یہ 8ویں ترمیم ہوگی کی اور اپنے ہاتھ میں لے لیا, ٹھیک ہے, 13ویں ترمیم کی واپس لے لیا, 17ویں ترمیم آئی پھر واپس جنرل نے لے لیا, 18ویں ترمیم, یعنی سب کچھ اپنے یہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کی خاطر. وہ بھول جاتے ہیں قرآن کی آیت, وہ مکرو وہ مکر اللہ, اللہ خیر الماکرین, اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز. جو آپ منصوبے ادھر بناتے ہیں ان کو معلوم نہیں کنجی کہیں اور ہے, فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہم ایک فرعونیت سی آ جاتی ہے جب آپ ایک کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں. بالکل, اسلام آباد کا ماحول بھی ایسا ہی ہے, وہ فرعونیت کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بس تا قیامت نعوذ باللہ ہم رہیں گے اقتدار میں, ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا, یہ کرسی بہت مضبوط ہے. یہ آج ہے کل نہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پاکستان گرتا وہ اس طرح ہاتھ رکھتے تھے میز کی, بالکل گرنے لگتا تو اللہ تعالیٰ میز کا رخ بدل دیتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں خود بصیرت سے بڑا میں امپریس ہوا, کیونکہ ان کی ایک سوچ, ایک ویژن صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں, عالمی سطح پہ, عالمی سطح پہ, اور ان کی ویژن کے حوالے سے ایک تجزیہ بھی اور دلائل کے ساتھ. ایسے ریلیجیس سکالرز میں نے میرے خیال میں جس پاکستان میں بہت کم دیکھیں, جو ان کی سوچ تھی, جو بلندی تھی اور جس میں پختگی تھی. جس سید صاحب جس موقع پر انہوں نے پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کی تھی, اس زمانے میں پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرنا گویا آپ سب کو اپنا دشمن بنانے والی بات. یہ بھی نہیں تھی کہ وہ پلے ٹو دا گیلری, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, انہوں نے کہا جو بات ہے میں نے کل میں حق کہنا. دیٹ از وائی آئی واز ویری امپریسڈ بائی ڈاکٹر صاحب, اس اس لیے کہ طے جو کر لیا تھا کہ الیکشن نہیں لڑنا, کیونکہ پھر وہ تو پھر نہیں, لیکن پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں پبلک اوپینین سے, کالم نہ لکھ دے کوئی ناراض نہ ہو جائے, تو وہ میرے خیال میں ان کی سوچ میں یہ بڑی کم لوگ ایسے جن کی اللہ کا فضل, اللہ کا فضل. جو عراق میں بھی انہوں نے کوشش کی, گو کہ وہ کارزائی صاحب سے ڈیل کر رہے ہیں, لیکن مشکلات پیش آئیں گی, کیونکہ افغانستان میں ایک ان کی سوچ جو ہے بڑے ٹف لوگ ہیں اور بڑی آزاد پرست لوگ ہیں, وہ آزادی چاہے کوئی بھی فورن انفلوئنس ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, برطانیہ ہو, روس ہو, امریکہ ہو, وہ برداشت نہیں کرے, بالکل برداشت نہیں کرے. یعنی اگر امریکہ نکلتا ہے تو طالبان ڈومینیٹ کریں گے, تو طالبان تو کبھی بھی نہیں امریکہ کو یہاں پہ سروائیو کرنے دیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ افغان بڑے بڑے نیشنلسٹ سوچ ہے ان کی, کمپرس شوز ہے, وہ آزادی کو بڑے ریسپیکٹ کرتے ہیں, غربت اپنی جگہ, لیکن ان کی اپنی با عزت اور با ہمت لوگ ہیں. آزادی کا معاملہ تو یہ ہے کھانے کو روٹی ہو نہ ہو گن ہوگی, گن ہوگی, گن ہوگی, یہ گن کے بغیر. نا عجیب بات ہے, آپ نے طالبان کی بات کی, تو اب وہی طالبان سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں. اب پچھلے ہفتے آپ کو معلوم ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے کچھ جو سینکشن لگائے تھے طالبان کی قیادت پر وہ ہٹا رہے ہیں, خود ہٹا رہے ہیں, تاکہ ان سے ہم مذاکرات کے لیے حالات بہتر ہوں.
सर ये एक मोजा लगता है कि एक सुप्रीम पावर है, मैं सब आपको उसका मुकाबला नहीं इसमें, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के हवाले से, असले के हवाले से, असले की जिद्दत के हवाले से, और ये इस मिलिट्री के हवाले से, और इवन एजुकेशन के हवाले से कोई अमेरिका के करीब नहीं है। सुपर पावरों की बातें कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, हम तो पता नहीं कहाँ है, कोई सुपर पावर रशिया वगैरह उनके करीब नहीं है, बहुत है। इसके बावजूद और फिर इतने मुल्कों की सियासी इमदाद हासिल करने के बावजूद ये अफगानिस्तान में शिकस्त जो है बिल्कुल कम अज कम इंसानी सोच के हवाले से तो बिल्कुल बालातार है। क्या आप समझते हैं, मैं भी अब वसीम साहब की जगह आपसे सवाल कर लूं, कि ये कोई मावराई या जिसे कहते हैं गैबी तायद का मामला है? मैं आपको एक वाक्य सुना देता हूँ इसका। ये गैबी जो है ना, तो हमारा तो ईमान है, मोजे भी होते हैं। जी जी। और जुलाई अप्रैल 1980 की बात है, अमेरिका के जो थे डिप्लोमेट्स ईरान ने पकड़ लिया थे। हाँ जी जी, पकड़े थे नवंबर 1979 में उन्होंने ले लिए और वो 444 दिन रहे उनकी हिरासत में। तो कार्टर ने मंसूबा बनाया 1980 में कि उनको मैं फौज भेजूंगा उनको रिहा करने के लिए। उन्होंने पूरा तजिया किया कि ये जगह है, यहाँ लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर, और उन्होंने पूरा प्लान बनाया, और उन्होंने पूरा एक्सपर्ट्स ने मौसम का चेक किया, उन्होंने कहा ये मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है और बिल्कुल क्लियर है, कोई कुछ नहीं होगा। जब वो लैंड किया तो इतना बड़ा तूफान आया, अब क्या कह सकते हैं। जो आपने कहा गैबी मदद, तो मेरे ख्याल में इसमें कुरान शरीफ में इसका जिक्र है तकब्बुर का, ये शैतानी एक चीज है तकबर, सर मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं चाहे वो बंदे में हो या रियासत में हो, वो सोच एक तकबर की गरूर इनमें आ गया था कि जी अब हम फैसला करें, क्या मुसलमान दुनिया में क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वी विल डिसाइड, हम फैसला करें। जैसे बुश ने कहा था व्हाट वी से गोज, जो हम कहते हैं वही होता है, इस हद तक तकबर आ गया था। तो अल्लाह तआला ने देखा कि इन्होंने हकामा मकरत की इराक में जाने में, वहां वो मार पड़ी, और उसकी वजह से अफगानिस्तान में भी हालात और खराब हो गए, और फिर अफगानिस्तान में अब तालिबान के पास कोई उनकी यूनिफॉर्म नहीं है, पिशौरी चप्पल पहनते हैं, पुराने फटे कपड़े होते हैं, एक जैसे आपने कहा बंदूक होती है, तो फिर पांव में जूती नहीं होती, तो ये हालत है दिया। तो ये एक जो जवाल आया है ये मगरिब का और खासतौर पर अमरीका का, इससे इनको सबक सीखना चाहिए। एक किताब में पढ़ा था, जोसेफ स्टिग्लिट्स है, अमेरिकन प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट है, वो उन्होंने नोबेल लॉरियट भी हैं, उन्होंने लिखा है $3 trillion वॉर, कि $3 खरब की जंग है, $3 खरब अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान इराक की, 9/11 के बाद 3 खरब, $1 खरब में $1,000 है, और हर हफ्ते वसीम साहब $2.5 अरब अमेरिका उसमें खर्च कर रहे हैं, अभी भी अफगानिस्तान की जंग में। तो इतना बड़ा जंग का ये हुआ कि अमेरिका के मईशत तबाह हो गई है, तो वो आपको जवाल भी आ गया, और अब तो आप देखें कि जो रुख है मगरब से मशरक की तरफ इक्तसादी और सियासी, बल्कि मैं कहूंगा कुछ हद तक सकाफती भी, जो ताकत का तवाजन है वो तब्दील हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, जिसमें उभरते हुआ चीन है और ममालिक हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया। इसलिए अब अमरीका जो है यहां से अगर कोशिश भी पीछे हटने की कर रहा है, तो उसमें वो भी एक कोशिश है कि एक नया महाज चीन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए नए ऑप्शन उभरे हैं, कि हम ज्यादा एक आजाद खर्चा पॉलिसीज करते में ला सकते हैं। आपको कभी सोच सकते थे कि मिस्र में इसको सदर इख्वान अल मुस्लिमीन का होगा, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी, जिसको जिस जमात को 60 साल से आपने बैन किया हुआ था, नेटो का मेंबर है तुर्की, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है तैयब अर्दोगान, उसकी बेगम हिजाब लेती है, जो हिजाब उन्होंने बैन किया हुआ था प्रेसिडेंट हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस, अल्लाह की शान, तो एक तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली है। वो कंट्रोल, वो जो असर रसूख अमेरिका का उस तरह नहीं रहा जो माजी में था, तो एक फर्क पड़ गया ताकत के तवाज़ुन में। अयूबिक साहब, जैसे सैयद उशायद हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिका का ज़वाल, खासतौर पर 9/11 के बाद जो है अमेरिका का डाउनफॉल है, तो आप ये फरमाएं कि मुस्तकबिल करीब में इस खित्ते में इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल कोई ब्लॉक बनता हुआ नजर आता है? पहले तो इस बात पर, इस ज़वाल के जिक्र पर मैं सैयद मुशायद हुसैन साहब के बारे में कहूंगा कि अल्लाह इनके मुंह में घी शक्कर मुबारक करे कि ये ज़वाल जो है अपनी तकमील को पहुंचे। देखिए, इसलिए आप जरा तारीख का जायजा ले, कम से कम ये आधी सदी भी देख ले, तो आप देखें कि जिस कदर नुकसान अमरीका ने मुसलमान ममालिक तारीख में, शायद ही किसी एक मुल्क ने मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचाया, बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है।
तो अल्लाह करे 10 लाख के करीब लोग शहीद हुए हैं इराक में। तो ये और फिर देखिए ना जालिम है ना, तो उसका अंजाम जो है फिर होगा इंशाल्लाह। ऐसा है अगर जे क्योंकि जरा इमारत बड़ी है तो गिरते गिरते बहरहाल वक्त तो लगेगा, लेकिन ये है कि वो गिरती अब नजर आ रही है। और सबसे पहले एक और तरफ मैं इशारा करूंगा कि तारीख बताती है कि कौमों के बड़ी कौमों उसके जवाल का जो आगाज होता है, जो इन्हितात का आगाज होता है, वो इखलाकियात से होता है। ये इक्तसादी, सियासी, फौजी ये बाद में होते हैं। जब किसी सुप्रीम कुव्वत का इखलाकी मामला जो है बहुत गिर जाए, यदि इखलाकी मामला है ना कि ड्रोन हमले कर रहे हैं 83 बच्चे उसमें वो डमाडोला में, इसी तरह एक मिसाल आ गई कुरान पढ़ते 10 साल 12 साल बच्चे शहीद हो गए हैं, क्या कोई फिक्र नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये इंतहा है जवाल की। आप इखलाकी एतबार से तो अमरीका पहले भी कई अच्छी बुलंदियों पर फायज नहीं था, आप इसका मिसाल देख लें कि मैं अमेरिकन इलेक्शन बड़े गौर से देख रहा था, ये सिद्धार्थी जी इतना गंद उछाला गया इस इलेक्शन में, जो ओबामा के मुखालफिन थे उनकी उनकी वालदा को भी हमले किए, उन्होंने जाती हमले किए इस किस्म का इलेक्शन कैंपेन में। आखिर में हम पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड में हम बात करते थे ये होते हैं, लेकिन अमेरिका में ये जो बात है ना, मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ कि बड़ी जातियात पर और खास तौर पर ये नस्ली बुनियाद पर और इश्यूज पर हमले हुए। जहां तक मैं समझता हूं कि दीनी बुनियादों पर मुसलमान मुल्कों का इस्लाम की बुनियाद पर यानी एक इतिहाद की बात है, देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले किसी बुनियाद को मजबूत बनाना पड़ेगा। अभी हम मुसलमान ममालिक हैं, इनमें से कोई मुल्क इस काबिल नहीं है कि उसे कहा जा सके कि ये इस्लामी फलाही रियासत है। वहाँ मुसलमान मुल्क है, जैसे डॉक्टर शाह अहमद साहब फरमाया करते थे ना, PIA यानी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान पे मुश्तमिल जो है वो अगर ब्लॉक बन जाए तो ये एक दुनिया में बड़ा यूनिक काम होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह जिस तरह के ईरान में कोशिश हुई है उनके अपने एक जहन के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक वो वहाँ एक इनकलाब लाए हैं, जब तक और अफगानिस्तान में भी ये काम किसी तक हुआ है। बहरहाल मुल्ला उमर की हुकूमत कायम तो हो गई थी, वो तो अपरूट की गई है, उसे खत्म किया गया है, एक बाहर की हुकूमत ने आकर उसे खत्म किया है, वगरना ये अंदरूनी तौर पर वो ये हुकूमत कायम कर चुके थे। और फिर ये आप देखें मुशाहिद साहब, बड़ी अजीब बात है कि अभी आप बात कर रहे थे असलाह की, कि अफगानी जो है वो असले के बगैर नहीं रह सकता, रोटी के बगैर रह सकता है। मुल्ला उमर के एक हुक्म पर असला जो है वो खत्म कर दिया गया, एक हुक्म पर वो ड्रग्स खत्म कर दी गई। कोई करवा सकता है मंशियात का काम अफगानी से बंद, लेकिन ये एक हुक्म पर वो इन्होंने डॉक्टर इसरार साहब के विजन की बात की। PIA बड़ा अहम बहुत है, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान। मैं 1988 में एज ए सहाफी गया ईरान, तो मैंने आयतुल्लाह खुमैनी साहब से पूछा, मैंने कहा जान के तल्ख सवाल पूछे मुलाकात, आपने क्या किया इंकलाब में, 9 साल हो गए इंकलाब में, ये हालात हैं, शॉर्टेज हैं आपके, लोग नाराज हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, बेरोजगारी है, जंग हो रही है सद्दाम के 8 साल से, क्या आपने किया, अभी क्या अचीवमेंट है ईरान के इंकलाब की, 9 साल हो गए। उन्होंने कहा जी एक अचीवमेंट है कि ईरान के तकदीर के फैसले ईरानी करते हैं तेहरान में बैठ के। बिल्कुल क्या बात, बिल्कुल ठीक। पहले हमारे फैसले वाशिंगटन लंदन होते थे। आप कहते हैं उसे मुझे बता दें कौन से मुस्लिम दुनिया में मुस्लिम ममालिक में ये काम हो रहा है कि उस मुल्क के तकदीर के फैसले उस मुल्क के बाशिंदे अपने दारुल खिलाफत में बस यही जरूरत है असल में पाकिस्तान में, अचीवमेंट है, यही असूल है पाकिस्तान में कि इस्लामाबाद में फैसले हों जो अभी तक तो नहीं हो रहे, जो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी करे, हाँ पाकिस्तानी तो यहाँ भी कोई वाकईतन अगर इस्लामी फलाही रियासत कायम हो जाए तो फिर उम्मीद है कि उसको उसको बुनियाद बनाया जा सकता है। अभी तो हम सब अपने मफादात के मुताबिक चलते हैं ना, लेकिन यह कमी कुताही पाकिस्तान में असल मसला, यहाँ इधर से कमी आ रही है कि यहाँ अभी तक वो निजाम किसी भी सूरत में कोई पेशरफ्त ही नहीं हो सकी। और शायद यही वजह है क्योंकि हमने नजरिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान में जो बुलंद बाग दावे किए थे उनसे हम बिल्कुल मुनारफ हो गए, यहां तक कि 2 साल के बाद हमने वो 1949 में हमने करारदादे मकासद पास की, वो उसकी वो भी गाड़ी चली लेकिन वो फिर उल्टी चल गई, कराची से पेशावर जाते हुए वापस
इस्लामाबाद में आकर रुक गई। तो ये असल में जब तक एक बुनियाद फराहम नहीं होती उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कोई, यानी ऐसी बुनियाद के हर मुसलमान मुल्क अपने फैसले खुद करे तो फिर तो ये एक इतिहाद बन सकता है और वो इतिहाद मानी खेज हो सकता है और उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप इतिहाद करने से पहले पूछे पता तो करें अमरीका चाहता क्या है। बात याद आ गई मुझे, शाम साहब कहते हैं कि 65 की जंग में चाइना ने कोई त्यारे देने चाहे पाकिस्तान को, तो ये अयूब खान ने चाइना को कहा कि आप इंडोनेशिया को दे दें, हम इंडोनेशिया से ले लेंगे। तो उसने कहा तो फिर आप जंग कर चुके। तो हमारा मामला ये है कि जब हर वक्त खौफ तारी हो इस किस्म की बात। एक और सुल्तान मोहम्मद खान साहब हमारे सफीर रहे हैं चीन में, उन्होंने लिखी भी है कि जब डेलीगेशन हमारा फौजी डेलीगेशन गया चो एन लाई को मिलने के लिए, असले की बात की, उसने कहा आपने असला किस लिए लड़ना, उनके जंग लड़ने के लिए, उन्होंने क्या आपकी जंग की क्या हिकमत अमली है। चो एन लाई मिलिट्री कमांडर भी था, वजीर खारजा भी रहे, बड़े स्टेट्समैन थे। हमारा ख्याल है कि जंग अगर होगी दो हफ्ते की होगी, तीन हफ्ते उसके बाद यूएन आ जाएगा, फिर सीज फायर हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर ये जंग लड़नी है सीज फायर के लिए तो फिर जंग ना ही लड़े बेहतर है। वही बात के अपने फैसले जब इस सरजमीन पे होंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी पैदा होगी। अयूब बेग साहब और सैयद मुशायर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच।